यादव ने कहा कि 5 अगस्त को जनता तक सरकार की नाकामियों को पहुंचाया जाएगा। 3 अगस्त 2021 को विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट मुन्नीलाल यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के स्तंभ रहे छोटे लोहिया स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर 5 अगस्त को प्रदेश सरकार की बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान मजदूर, नौजवान तथा महिलाओं की शोषणकारी तथा लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के विरुद्ध समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। श्री यादव ने बताया कि प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न पर भाजपा सरकार मौन धारण की है। प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में 5 अगस्त को छोटे लोहिया स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्र की जयंती पर चौरी चौरा में हजारों कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में शिरकत होंगी तथा प्रदेश सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 5 अगस्त को स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्रा जी, जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, उनकी जयंती है। उस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सभी तहसीलों पर साइकिल यात्रा निकाली गई है, जिसके क्रम में उनके निर्देश, उनके आह्वान पर चौरी चौरा विधानसभा में हजारों की संख्या में साइकिल यात्रा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके सरकार की, वर्तमान सरकार की नाकामियों को बताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश जल रहा है। महंगाई की मार, अपराध चरम पर, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमने केंद्र पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब ये सत्ता में आए भाजपा के लोग, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था। उन्होंने कहा था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात जाएगी जनता के बीच में। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है, धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये बताना पड़ेगा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जब आप बोल रहे थे उस समय पेट्रोल का दाम 45 रुपया था, आज पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया। जिस समय आप महंगाई की मार कह रहे थे उस समय गैस सिलेंडर का दाम 350 रुपया था, आज गैस सिलेंडर का दाम 950-1000 रुपया हो गया। ये महंगाई की मार अब किस कौन झेलेगा? अब निश्चित तौर पर अब ये उत्तर प्रदेश की जनता ने अब फिर स्लोगन दिया है, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ गुंडा राज, अब की बार सपा सरकार। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनने जा रही है और गरीब मजलूम के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इन्होंने एक अच्छा स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास देने वाला नारा आज खोखला साबित हो रहा। मीडिया के साथ ही आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जिस समय आसीन होते हैं, उनसे तभी से देख लीजिए, गोरखपुर जनपद से लेकर के उत्तर प्रदेश में क्रीम पोस्टों पर किस जात के लोग आज मलाई काट रहे हैं, किस जात के लोग आज राज कर रहे हैं। न तो वहां ब्राह्मण की सुनवाई हो रही है, न तो यादव की सुनवाई हो रही है, न कुर्मी की सुनवाई हो रही है, न मल्लाह की सुनवाई हो रही है, न राजभर की सुनवाई हो रही है। अति पिछड़ा से लेकर के सवर्ण वर्ग भी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। इसी नाते छोटे लोहिया ने समाजवाद का संदेश दिया था। छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्रा जी बड़े नेता थे और वो उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। उस नारे को लेकर के हम लोग अब सबके साथ सबका विकास की बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ सारे वर्ग के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के 5 अगस्त को एक विशाल रैली का आयोजन किया है, साइकिल जुलूस का, जिसका चोरी चोरा में ऐतिहासिक कार्यक्रम